भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल दारू के शौकीन पे। मेरा नाम है आशीष और आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेड बियर लेके आए हैं। आप सिनेमैटिक्स में देखिए जब तक। सिनेमैटिक्स में देख ही लिया होगा कि आज हम आपके लिए एक इंपोर्टेड बियर लेके आए हैं जो कि स्पेन में ब्रू की गई है। बियर है प्रूस्ट, काफी इंटरेस्टिंग है। सिनेमैटिक्स में आपने देख ही लिया होगा प्रॉपर तरीके से, पर फिर भी मैं आपको पैकेजिंग दिखा रहा हूँ इसकी कि इंटरेस्टिंग पैकेजिंग है। एक ब्लैक कलर है और एक इंटरेस्टिंग बात यह है इसके अंदर एक न्यूमेरिक यूज किया गया है 69। मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, बाकी आप लोग समझ गए होंगे, जरूरी नहीं सारी बात बोल के बताई जाए। एक स्ट्रॉन्ग बियर है, इंपोर्टेड स्ट्रॉन्ग बियर, मतलब आप समझ लीजिए कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है वीडियो के अंदर। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा इसको। जो बियर की लेबलिंग है, पैकेजिंग है, वो आउल को रिप्रेजेंट कर रही है। पता नहीं क्यों सारे के सारे बियर ब्रांड वाले किसी ना किसी बर्ड के पीछे या एनिमल के पीछे पड़े हैं, इन्होंने आउल को रिप्रेजेंट कर दिया। खैर छोड़िए, मैं बोतल के ऊपर दोबारा आता हूँ। बॉटल कहती है कि भाई प्रीमियम इंपोर्टेड बियर है ये, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। इंटरेस्टिंग है, स्पेन की बियर है। आगे बढ़ते हैं। ये जनवरी 2019 में लॉन्च की गई। इसके जो को फाउंडर है, मतलब जो इंडियन को फाउंडर है इनके, इंडियन बंदा जो है, जो इसके पीछे है बियर के पीछे, वो है तरुण भार्गव। भार्गव सरनेम से ऐसा फील होता है जैसे कि महाराष्ट्र है। मुझे नहीं पता लगा कि ये बंदा कहाँ से बिलोंग करता है या ओनर इनके कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, मतलब को फाउंडर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और डिटेल में जाते हैं, मतलब हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, मैं प्रोडक्ट की डिटेल पे जाऊंगा। अल्कोहल परसेंटेज जो कंपनी रिप्रेजेंट करती है वो करती है 7 से 8%, बट इसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल भी है, तो मतलब 8% से ज़्यादा अल्कोहल है इसके अंदर। इंग्रेडिएंट्स इसके काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इतने भी इंटरेस्टिंग नहीं है कि बता दूं क्योंकि है नहीं अवेलेबल। वाटर, बार्ले, मॉल्ट, मेज, मेज का यूज किया गया है। मेज एक प्रीमियम क्वालिटी का इंग्रेडिएंट होता है जो कि बियर के अंदर यूज किया जाता है। ज़्यादातर इंपोर्टेड बियर में यूज किया जाता है, स्पैनिश, बेल्जियम या जर्मन बियर के अंदर यूज होता है इसका, और कुछ एक कंट्रीज और हैं जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। बट रशियन बियर जो है वो दिल्ली के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है। किसी को मिल गई हो, किसी ने कहीं ड्यूटी फ्री से ले ली हो तो कह नहीं सकता, बट रशियन बियर दिल्ली में इजीली अवेलेबल नहीं है। खैर मैं डिटेल में और आता हूँ। इसमें बार्ले हॉप्स का यूज़ किया गया है, मतलब एक तो होते हैं हॉप्स, एक होते हैं बार्ले हॉप्स। इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं डिटेल में किसी और दिन बात करूँगा। अपने आप में एक कंटेंट है, अपने आप में एक वीडियो है इसके ऊपर। खैर इसको फर्मेंट करने के लिए ईस्ट का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी सैड पार्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी बियर को फर्मेंट करने के लिए ईस्ट का यूज़ कर रहे हो तो कि वो एक बियर को प्रीमियम नहीं बनाता, बट हो सकता है इन्होंने किसी और रीज़न से ईस्ट का यूज़ किया हो। खैर वापस आते हैं बोतल के ऊपर। इसका जो प्राइस है, ये कैन है 500 ml का, मुझे दिल्ली में मिला है ये 105, मतलब 105 रुपये का। जो इसका पाइंट आता है वो आता है अप्रोक्स 170 का। बोतल का पता नहीं दिल्ली में मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला है ना, मुझे उसका प्राइस पता लगा। ये कैन मुझे मिला जो कि 105 का है, ये मैं ले आया। अब एक काम करते हैं, आपको ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, मैं बियर को ओपन करता हूँ, ग्लास में पोर करता हूँ, नोजिंग करता हूँ, टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। कलर तो सबसे पहले बताऊंगा, बियर का फ्रोथ ऊपर आ रहा है, जबकि बियर अच्छी खासी ठंडी है, मतलब चेल नहीं कहूंगा, ठंडी बियर है। ये
एक अच्छी बियर की पहचान यही होती है कि जो उसका फ्रोथ है वो जल्दी डिजोल्व हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फ्रोथ जल्दी डिजोल्व हो गया है। एक इम्पोर्टेड बियर है इसलिए शायद इस पे फोकस किया गया है कि क्वालिटी इंप्रूव करके अच्छी क्वालिटी की बियर सर्व की जाए। कलर भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ा डार्क कलर है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बियर की पहचान है कि डार्क कलर है उसका। एक काम करता हूँ इसकी नोजिंग करता हूँ और फिर बताता हूँ कि बियर के नोट्स क्या कहते हैं, कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। एक हॉप्स का अरोमा फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हॉप्स का, शायद वो बार्ले हॉप्स है इस वजह से फील हो रहा है। बाकी और कोई फ्लेवर मुझे अभी तक अरोमा ऐसा फील नहीं हुआ जो कि नोट्स आए मुझे नोज पे। थोड़ा सा बिटरी अरोमा आ रहा है, मतलब हल्का सा खट्टा खट्टा सा, पता नहीं क्यों आ रहा है। एक काम करता हूँ इसको टेस्ट करता हूँ फिर बताता हूँ। काफी स्ट्रॉन्ग अरोमा है इसका, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बियर जो ये बियर कंपनी कह रही है कि ये स्ट्रॉन्ग बियर है वो फील हो रहा है। स्पेन की बियर के हिसाब से, मतलब जो स्पेन में ब्रू की गई है उसके हिसाब से जो इसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। टेस्ट में भी स्ट्रॉन्गनेस है और बियर के अंदर एक जो अपनी एक स्ट्रॉन्गनेस होती है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से फील हो रही है। कार्बोनेशन इसके अंदर काफी अच्छा फील हो रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग में आ रहा है। टेस्ट इसमें स्वीटनेस नाम के लिए है मुझे तो फील हुई नहीं। अब पता नहीं कंपनी ने इसमें शुगर यूज की है कि नहीं, कि इंग्रेडिएंट्स में कहीं शो नहीं किया और ना ही मुझे फील हो रही। वो जो हॉप्स की कड़वाहट होती है वो इसमें है, काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है उसका। और बियर भी स्ट्रॉन्ग है, रिफ्रेशिंग बियर ये है क्योंकि इसका फ्रोथ काफ़ी अच्छा है, अच्छे तरीके से इसे ब्रू किया गया है और स्पेन में ब्रू किया गया है, ये एक अच्छी बात है। प्रीमियम क्वालिटी की बियर है ये और टेस्ट में भी काफ़ी प्रीमियम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका टेस्ट। बाकी इस बियर के बारे में बताने के लिए कुछ और ऐसा है नहीं, ना ही इसके बारे में इतनी डिटेल्स मार्केट में अवेलेबल है। शायद इंडियंस के लिए एक नई बियर है इस वजह से कुछ डिटेल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट क्वालिटी इसकी काफ़ी कुछ कहती है। जब तक आप इस बियर को पियोगे नहीं इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। टेस्ट करने के बाद ये बियर बताती है कि बहुत अच्छी बियर है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में भी एक नई बियर के साथ या किसी नए लिक्योर के साथ। जब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जो लोग बियर पीना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाइए। कुछ आपको वीडियो में ना पसंद आया हो तो वो भी बताइए, अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, स्वागत।